कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सून एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रूपये वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रूपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं, उनके अनमैरिड लोग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रूपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है, हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय वो भी करता हूं। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विडोवर विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया और उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रूपये की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी, लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ हफ्ते लागू कर रही है, ये अनाउंस हो गई तो लागू हो गई। नोटिफिकेशन आज अगर अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट सीएम की होती है, तो जुलाई की पैसे उनको मिलेगी। हाँ, तो के नोटिफिकेशन करके जुलाई से दे सकते हैं, नोटिफिकेशन के कैबिनेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हो जाएगी, लेकिन हम 1 जुलाई से इसको लागू कर देंगे, चाहे उसको पोस्ट फैक्टो भी लेना पड़ेगा। संख्या हाँ वो तो मिलेगी, वो तो उसके बाद बुढ़ापा ही मिलेगी। जैसे कल हमने बताया था कि जो विधवा है उस पेंशन का नाम फिर बुढ़ापा पेंशन हो जाएगा, तो इनकी भी 60 साल का बुढ़ापा हो जाएगी। दोनों नहीं भाई, 40 से 60 ये है, 60 के बाद वो है। मैं संख्या इसकी बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ। कुल मिलाकर के इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक, अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का, ये सरकार के एक्सचेक्टर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उसमें लगभग 65,000 के आसपास तो अविवाहित है पुरुष और महिलाएं, 45 से 60, 1,80 से नीचे, और 5,700 ये हैं विदुर पुरुष 40 से 60, जिनकी आय 3 लाख से नीचे है, 5,687। आज हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र का डाटा इस समय है, इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो अनवेरिफाइड हैं, ज्यादा नहीं है, कोई 200-250 ऐसे हैं जिनके वेरिएशन होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। एक इसी के साथ हमारे जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, कल वो आए थे, 2017 में एक आंदोलन किया था उन्होंने, किसी एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध उनका आंदोलन था, देशव्यापी किया था, हरियाणा में भी उनके खिलाफ कुछ मुकदमे हो गए थे, 54 मुकदमे थे, सैकड़ों लोग उसमें नामजद थे, कुछ गिरफ्तार हुए, बाद में बेल पर छूटे हैं, कुछ गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, लेकिन नामजद वो हैं। तो ऐसे हमने फैसला किया कि सभी 54 मुकदमे, बशर्ते को बहुत सीरियस ना हो, तो जो लीगल जो भी एक प्रोसेस रहती है उसके हिसाब से उनको वापस लेने का ये निर्णय किया है। 54 हैं और नामजद तो कितने हैं पता नहीं, लेकिन 117 लोग ऐसे थे जो गिरफ्तार हुए थे और जिनकी बेल हुई थी। आज के प्रमुख विषय तो यही थे। बाकी हमने कैबिनेट के विषय सब आपको बता ही दिए थे। सर, ये जो ये अनमैरिड हैं और ये विधवा, इनको पेंशन देने के पीछे वजह मतलब क्या, सामने क्या आया मतलब? देखिए, सामान्यतः ध्यान में आता है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा उसके मान सम्मान को बड़े होने पर थोड़ा ठेस सी लगने लग जाती है। वो लोग कहते भी हैं कि अब हमको लोग जो है ना
दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए हमारा मान सम्मान बढ़ना चाहिए। तो मान सम्मान में एक ही छोटा प्रकार है, कोई हम एकदम कोई उनकी वैसी स्थिति तो नहीं ला सकते जैसी वो चाहते होंगे, लेकिन ये सब होने के बाद कोई उसकी आवश्यकताएं हैं परिवार की, तो वो यानी अपनी कोई आवश्यकताएं तो वो उसकी पूरी हो सकती है। परिवार तो उसने बनाया नहीं है, तो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। किसी को छोटा मोटा मानो बहन है, कोई और है, किसी को लेना देना, वो अपना कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आय जिसकी बहुत कम है उसको एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीने में कुछ सहयोग हो जाए, ये हमने कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्यों ऐसे विषय बार बार आ रहा है? ऐसा तो नहीं है, केवल इतना ही था कुछ लोगों ने अविवाहित होने के नाते से सिंगल मेंबर फैमिली का एक अपना फार्म भरना शुरू कर दिया था कि हम ही अकेले। अब थोड़े बहुत लालच होते हैं उनके कि अलग से हमको WAY का फायदा मिल जाएगा, अलग से हमको आयुष्मान का कार्ड का फायदा मिल जाएगा, तो ऐसे कुछ लाभ होते हैं। हमने यह तय किया कि हम उसकी वेरिएशन करेंगे। अगर वो परिवार के साथ रहता है तो जिस परिवार में रहता है उसी के साथ उसकी फैमिली आईडी बनेगी, अलग से केवल इसलिए कि मैं अविवाहित हूं इसलिए नहीं बनेगी।